अभी आवाज आ रहा है? यस ओके, सो आज का मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स। ठीक है, तो फॉर्म्स जो कि किसी भी तरह का यूज़र इनपुट लेने में काम आता है फॉर लॉग इन, साइन अप एंड ऑल दैट। तो फॉर्म्स के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है? सबसे पहले हमको एक फॉर्म टैग लगाना होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक एक्शन हमको बाय डिफॉल्ट मिलता है, एंड उसके साथ हमको एक लगाना होता है मेथड पोस्ट। ये हमेशा पोस्ट ही होगा, ठीक है, फॉर्म का मेथड हमेशा पोस्ट होता है। ठीक है, अभी फॉर्म के अंदर हमको फील्ड्स बनाना है, तो फील्ड्स बनाने के लिए हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं? इनपुट टैग्स। ठीक है, ये बहुत तरह का होता है, अगर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस दोगे तो बहुत सारा मिलेगा, ये बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट। ठीक है, बहुत तरह के इनपुट होता है, तो हमको जैसा ज़रूरत है हम लोग वैसा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मान लो एक टेक्स्ट इनपुट ले लेता हूँ, और क्लास हमेशा एक क्लास होता है फॉर्म कंट्रोल, वो हमको लगाना ही है। ठीक है, ये देखो ये एक इनपुट बन गया, इसको मैं कंटेनर में ले लेता हूँ। सो डेट डॉट कंटेनर, ये देखो ये एक इनपुट बन गया। ठीक है, अभी मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, तो अगर मुझे कुछ दिखाना हो कि ये किस मतलब क्या इनपुट है या फिर किस लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, एक होता है प्लेस होल्डर, सपोज एंटर नेम, तो ये मेरा प्लेस होल्डर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर है, ये क्लिक करने पे मतलब कुछ भी टाइप होने पे ऑटोमेटिक हट जाएगा, लेकिन ब्लैंक होने पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी मान लो मुझे प्लेस होल्डर नहीं देना, लेकिन मुझे इसके ऊपर दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके इसको सबसे पहले एक आईडी दे दूँगा, सपोज नेम, एंड उससे रिलेटेड एक लेबल बना दूँगा। ठीक है, जैसे पैराग्राफ हेडिंग था तो वैसे ही लेबल भी एक तरह का टेक्स्ट टैग है, उस पर फॉर्म में मैं वो आईडी पास कर दूंगा कि किसके लिए मैंने बनाया है, एंड उसमें क्लास लगा दूंगा फॉर्म लेबल, और उसमें लिख दूंगा सपोज एंटर नेम, तो ये उसके लिए आ गया। अभी उसको मैं जितना कॉपी करूंगा उतना पेज बड़ा फॉर्म होगा, तो कन्वेंशन यही है कि एटलीस्ट फॉर्म के अंदर जो इनपुट, एक एक इनपुट के लिए एक डिव बना लेना अपना, तो क्या होगा थोड़ा ग्रुपिंग में रहेगा ये। ठीक है, ये एक हो गया, अभी मान लो मुझे और एक चाहिए, तो मैं यहाँ पे और एक दे दूंगा आगे, अगर थोड़ा मार्जिन वगैरह चाहिए तो मार्जिन दे देंगे। ठीक है, तो मार्जिन दे दिया, अभी मान लो मैंने इसको नेम से मैंने ईमेल कर दिया, और जैसे ईमेल किया यहाँ पे बहुत सारा टाइप है, तो मैं इनपुट टाइप को भी ईमेल कर दूंगा। ठीक है, अच्छा क्यों, ये बिना ईमेल का कुछ नहीं लेगा, ये कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, प्लीज़ इनपुट एट द रेट द ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक एक ईमेल टाइप का हो गया। नेक्स्ट मान लो मुझे यहाँ पे कुछ एक कॉन्टेक्ट नंबर के लिए चाहिए, कॉन्टेक्ट के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक टेल बोल के आता है, ठीक है, जो कि सिर्फ नंबर लेता है, ये देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, लेकिन मैं अगर ऐसे नंबर दूँ तो उसमें एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, फिर मान लो मुझे और एक चाहिए यहाँ पे सपोज, और हाँ एक चीज़ है, ये आईडी हमेशा चेंज कर लेना, मैं अभी टेम्पोरेरी डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए चेंज नहीं कर रहा, लेकिन आईडी वाला चेंज कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा अभी मान लो मुझे कुछ एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए सपोज एज, तो उसमें एक शायद नंबर है, मुझे जहाँ तक याद है, हाँ नंबर है, तो देखो ऐसे नंबर वाला आ गया। ठीक है, अभी ये मैं डायरेक्टली कंटेनर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं इसको ग्रिड सिस्टम में भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है,
मान लो मैं एक काम करता हूँ, इनको कॉपी करके इनमें एक रो बना देता हूँ, और एक रो में ये और नेक्स्ट डिव डॉट रो में मैं डिव डॉट कॉल डैश एमडी डैश 6 star 2, इसमें मैं एक पेस्ट करूँगा एंड इसमें मैं और एक पेस्ट करूँगा। ठीक है, ये स्क्रीन साइज की वजह से नहीं आ रहा। हाँ, तो अभी मान लो मुझे यहाँ पे कोई एक ड्रॉप डाउन दिखाना है, तो ड्रॉप डाउन दिखाने का सिस्टम है, एक तो थोड़ा बुरा ही कर देता हूँ, दिखेगा नहीं। ड्रॉप डाउन दिखाने का सिस्टम है, हम लोग यहाँ पे इनपुट यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट के अंदर हमारा ऑप्शन टैग रहेगा हमेशा। ठीक है, ऑप्शन मान लो मुझे 10 चाहिए और जिसके अंदर मान लो लोरेम 2 चाहिए मेरे को। ठीक है, तो अभी देखना इधर क्या होता है। हाँ, इसमें हमको क्लास भी लगाना होगा, फॉर्म कंट्रोल। ये देखो ड्रॉप डाउन बन गया सुंदर सा। ठीक है, मान लो इसमें मुझे कोई एक डिफॉल्ट ऑप्शन लगाना है, इसमें होगा सिलेक्ट ऑप्शन, और इसको मैं क्या करूँगा, दो चीज़ लगा दूंगा। एक लगाऊंगा सिलेक्टेड मतलब वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा, एंड वो डिजेबल मतलब वो फिर से सिलेक्ट नहीं हो सकता। ये देखो सिलेक्ट ऑप्शन आ गया, लेकिन ये वाला मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैं कितना भी कोशिश करूँ ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बाकी दूसरा मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा बहुत सारा यहाँ पे कंट्रोल्स हैं। अभी मान लो चेकबॉक्स ही है तो चेकबॉक्स का तुमको मिलेगा, जेंडर वगैरह देना हो तो उसका भी मिल जाएगा। मैं जेंडर का दिखाता हूँ, एक इसके अंदर क्या करूँगा, डिव यहाँ पे एक लेबल लगा दूंगा पहले, सिलेक्ट जेंडर, और इधर मैं एक डिव डॉट रो बनाऊंगा, डिव डॉट कॉल डैश एमडी डैश 6 star 2, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ से जाके सर्च कर लेंगे, जैसे ये एक चेकआउट का वाला है, ठीक है, फॉर्म चेक का, या तो मैं ये दे सकता हूँ, ये एक्चुअली मल्टी सिलेक्ट के लिए देना चाहिए, ये जो टिक वाला है चेकआउट वाला, और अगर ना हो तो ये चेक्स एंड रेडियोस, इसमें ये चेकबॉक्स है, अगर मल्टी सिलेक्ट देना हो तो, और ये हाँ रेडियो बटन। ठीक है, तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे मैं दो बार पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ MT4, आएगा PT4। ठीक है, मैं इनका ऑप्शन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सपोज ये देखना ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चेंज किस लिए हो रहा है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे नेम पूरा सेम है, मान लो एक का नेम मैंने चेंज कर दिया। अभी देखना क्या होता है, इसको सिलेक्ट करो इसको सिलेक्ट करो, दोनों ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है। अगर नेम सेम रखोगे, अगर इधर 2 का जगह 1000 भी हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ठीक है, वैसा वैसा देख सकते, मान लो इधर मैंने इसको 4 कर दिया, इसको 4 कर दिया, एंड इसको यहाँ पे कॉपी करके लाइक नेक्स्ट मैंने दे दिया, और हाँ अभी देखना क्या होता है, मतलब
इन दोनों का यहाँ पे नेम सेम है, इसका अलग है, तो देखना अभी किसमें क्या होता है। ये सिलेक्ट किया लेकिन इनमें ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैंने इसका नाम भी मैं सेम कर दूँ तो तीनों में इंटरचेंज होता रहेगा। ये देखो, ये तीनों में ऑटोमेटिक इंटरचेंज होता रहेगा। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे चेकबॉक्स भी दे सकते हैं, इसको डिजेबल भी कर सकते हैं, कुछ नहीं लगाना, एक डिजेबल क्लास लगा देना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये डिजेबल वाला प्रॉपर्टी लगा दो, बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ। सपोज मुझे इस नेम पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना है, तो डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा एक वैल्यू पार्ट है, उस पर सपोज मैं दे दूंगा डिफॉल्ट नेम। जिसने डिफॉल्ट नेम आ गया लेकिन एडिटेबल है, ठीक है, ये एडिटेबल है। लेकिन अगर इसमें मैं एक चीज़ लगा दूँ, रीड ओनली, तो क्या होगा, ये अभी रीड ओनली बन जाएगा, नो चेंज, ठीक है। और डिजेबल लगा दिया तो कम्प्लीटली डिजेबल हो जाएगा, उसका तो कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कभी कभी अगर कुछ डिस्प्ले करना हो फॉर्म में बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन लाइक डेट एंड टाइम, तो इसमें हम लोग ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी मान लो मुझे कहाँ पे कॉलम डी सीरो इधर इधर मैं एक और रो बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं दूंगा लेबल फॉर डेट, सॉरी इधर होगा सिलेक्ट डेट, इधर मैं दूंगा इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, आईडी डेट एंड क्लास फॉर्म कंट्रोल। सिमिलरली इधर भी मैं एक ऐसा दूंगा, सपोज टाइम, ये सब ऐसे रहने दो, इसको सिर्फ मैं टाइम कर दूंगा, ठीक है। और एक होता है मैं लास्ट में दिखाऊंगा, ये देखो पूरा कैलेंडर टाइप आ गया मेरे पास, मैं कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। डेट मेरा ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। और टाइम के लिए भी सेम है, मैं यहाँ पे टाइम AM PM पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ जैसा। इसका और एक वर्जन है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, एक शायद से हाँ डेट टाइम है, डेट टाइम वाला शायद, हाँ नहीं डेट टाइम वाला इधर काम नहीं कर रहा शायद किसी कारण से, डेट टाइम डैश लोकल है, हाँ अगर इसको यूज़ करना है तो हमको डेट टाइम लोकल देना होगा, ठीक है। तो कंबाइंड डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा एक साथ, अगर हमको मतलब एक ही बार में कंबाइंडली चाहिए तो डेट एंड टाइम। हम लोग यहाँ पे ईयर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, मान लो कितना पीछे जाना है जाते रहो, मान लो 1928 का मेरे को फेबररी का 15th चाहिए, और टाइम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे टाइम भी मैंने चेंज कर दिया, ये कंबाइंडली मुझे मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा है, देन एक है रेंज का है, मैं दिखाता हूँ, हाँ ये रहा रेंज का है, ऐसा एक बार वाला आ गया रेंज का, ठीक है, जिसमें हम लोग ऐसे मिन मैक्स भी दे सकते हैं। ये मतलब एक पूरा फिक्स, ये नहीं सॉरी, हाँ ये पूरा है जैसे पूरा स्मूथली मूवेबल है, और एक होता है ब्रेक वाइज, 1 2 3 4 5 ऐसा ब्रेक वाइज है, ठीक है। स्टेप्स भी सकते हैं जैसे इधर कितना कितना स्टेप्स का है, 0.5 का स्टेप है क्या, कितने का स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 स्टेप्स, 0.5 मतलब हाफ, तो 10 स्टेप होगा, उस हिसाब से चलता है, ठीक है ना। रेंज भी हम लोग ऐसा दे सकते हैं, ये ज़्यादातर
किसमें उतना वो नहीं होता, बट हाँ फिर भी ठीक है। एक होता है का तुमको फ्लोटिंग लेवल चाहिए, इसको क्लिक के लेवल ऊपर फ्लोट हो गया, ठीक है। इसको बस कुछ नहीं करना, हमको फॉर्म फ्लोटिंग लगा देना है, बाकी बात खत्म। मान लो मेरा इधर एंटर, ये कॉन्टैक्ट वाले पे मेरे को देना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, हाँ इधर मैं दे दूँगा एक क्लास फ्रॉम फ्लोटिंग। फ्लोटिंग वाला बहुत अच्छा है एक्चुअली, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था। ये देखो क्या हो गया, था फॉर्म फ्लोटिंग फ्लोटिंग फॉर दिस, तो डिव में लगाया मैं फॉर्म फ्लोटिंग। मुझे लगता है ये वाला एक्चुअली फॉर्म पे लगाना होगा हमको क्लास। डिव क्लासिकल टू फॉर्म फ्लोटिंग फॉर्म कंट्रोल एंड लेवल। अच्छा, एक मिनट, ये इसकी वजह से शायद नहीं हो रहा, इसको हटा दो। कुछ समझ नहीं आया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, या फिर इसको थोड़ा हटा के देखता हूँ। इसको थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, आईडी की वजह से भी बहुत बार होता है। चलो इसका मैं थोड़ा देखूंगा, बट फिर भी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है फॉर्म फ्लोटिंग। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, बट हाँ ऐसा हम लोग दे सकते हैं। लेआउट में अगर देखे तो ऐसा लेआउट कैसे देना है, ग्रिड में कैसे देना है, जो मैं अभी दिखा रहा था ग्रिड में, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से एक बार देख लेना कैसा देना है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक होता है इनपुट ग्रुप, ये ऐसा हम लोग इसको ऐसा ग्रुपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मतलब हर एक एग्जाम्पल है, अपने हिसाब से मतलब ज़रूरत पड़े तो देख लेना। मान लो किसी का ईमेल देना है तो बाई डिफॉल्ट एक वो देखे रख दो और उससे बस उसका नाम ले लो, तो वो ऑटोमेटिकली कंबाइंड होके आ जाएगा। अगर यूआरएल देना है या फिर कुछ मनी रिलेटेड अमाउंट रिलेटेड हो, या फिर ऐसा कोई एक ऑप्शन देना हो, ये एट द रेट की जगह हम लोग सिंबल भी दे सकते हैं कोई, ठीक है ना। वैसा भी पूरा यहाँ पे डेमो है, इसको बस कॉपी करो और यहाँ ला के किसी एक डिव के अंदर पेस्ट कर दो। मान लो डिव डॉट रो और डिव डॉट कॉल MD12 पेस्ट कर दो। ये देखो पूरा पूरा का पूरा आ गया, इसको थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ MD5। ये देखो पूरा का पूरा बन गया, अभी इसको तुम जैसे ही यूज करना चाहे करो, ठीक है। सिमिलरली अभी फ्लोटिंग लेवल्स का तो ठीक है, रैपिंग का हमने देख लिया है। हम लोग इसमें ये लार्ज स्मॉल डिफॉल्ट टेक होगा जो नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसमें
MDSM वो सब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, वो देख लेना। फिर चेकबॉक्स एंड रेडियोस, ऐसा रेडियो सिलेक्टेबल मतलब कस्टम टेक्स्ट विद सिलेक्टेबल फॉर्मेट, इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और वो मेरा सिलेक्टेड होगा वैसा, ठीक है। मल्टीपल इनपुट, एक साथ दो इनपुट, ये जनरली नेम के पर्पस में आता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एक साथ लेना चाहो तो। फिर मल्टीपल ऐड ऐसा, ठीक है ना, इधर मेंशन होगा। मान लो कोई एक पेमेंट कर रहा है और उसको कुछ को किसी को कोई नोट्स देना है या फिर कोई कमेंट देना है या मैसेज देना है, वैसा यूज़ कर सकते हैं। बटन्स वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे किसी इनपुट के साथ अगर ज़रूरत पड़ा तो, जैसे प्लस माइनस का बटन होता है ना कभी जूम इन जूम आउट के लिए, उस टाइप का लगा सकते हैं। देन ड्रॉप डाउन वगैरह लगा सकते हैं कुछ करने के लिए। सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और उसका टाइप मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। देन सेगमेंटेड है मतलब थोड़ा बॉर्डर वगैरह रहेगा यहाँ पे, इसको ऐसा ऑप्शन वगैरह भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। देन ये फाइल इनपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख के रखना। इस पर क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक एक फाइल ब्राउज़र खुलेगा और उसके बाद से कोई भी फ़ोटो उठा के यहाँ पे ऐसे बैठा सकते हैं। इसमें जो कोई एक पार्ट उठाओ, जो पार्ट नहीं चाहिए वो फिर वहाँ से काट दो। सपोज़ मैं ये सेकेंड वाला उठा लेता हूँ, ये सेकंड वाला है, ठीक है। सेकंड वाला उठा के मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, डिव इधर टाइम वाला एक्स्ट्रा था, एक इधर दे देता हूँ, ये देखो ये फाइल इनपुट आ गया, ठीक है। मैं एक लेबल दे देता हूँ यहाँ पे तो थोड़ा वो होगा, सेलेक्ट फाइल। इसको हम लोग ऐसा सिलेक्ट प्रोफाइल इमेज या फिर कुछ भी इमेज डालना हो, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जिसका PDF वगैरह अपलोड करना है वैसा भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। मैं दिखाता हूँ एक एक करके, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें ये, ठीक है। अभी इसमें जैसे क्लिक किया तो हम लोग का फाइल ओपनर आ गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे एक मल्टीपल एट्रीब्यूट है, मल्टीपल एट्रीब्यूट होने से मतलब एक टैग से ही हम लोग मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं हटा के दिखा देता हूँ, जैसे इसको दिया मान लो यहाँ पे मैं मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, एक ही सिलेक्ट हो रहा है मुझे देखना, ठीक है। जितना भी मल्टीपल सिलेक्ट करूँ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट वाला लगा दूंगा, देखना यहाँ पे 1 2 3, ये देखो पूरा मल्टीपल सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर इसका जैसे है एक, नहीं टाइप नहीं, इसका क्या था, एक मिनट, एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। मतलब वो किस फॉर्मेट में हमको क्या बोलते हैं एक्सेप्ट चाहिए। सपोज़ मैंने यहाँ पे दे दिया इमेज स्लैश, मतलब कौन सा टाइप का फाइल, देन उसका फॉर्मेट सपोज़ PNG, ठीक है। अभी देखना क्या होता है, रिफ्रेश हो गया, ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली PNG आ गया मेरा सिलेक्टेड, ठीक है। अभी अगर सपोज़ मैं यहाँ पे JPEG दे देता हूँ, रिफ्रेश हो गया, ये देखो यहाँ पे कस्टम पार्ट आ गया जिसमें सब JPEG का फॉर्मेट है। फिर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मान लो इधर मैं JPEG एंड कॉमा एप्लीकेशन, ये फॉर्मेट है नेट पे मिल जाएगा सेस PDF, तो अभी देखना क्या होता है।
एक हो गया कस्टम फाइल्स, नेक्स्ट हो गया ओ, ये देखो यहाँ पे एक पीडीएफ वाला ऑप्शन भी आ गया सिंपल सा। तो ऐसा हम लोग बहुत सारा क्या बोलते हैं दे सकते हैं फॉर्मेट जिसको जैसा चाहिए, ठीक है। और फाइल का बहुत सारा टाइप का इनपुट है, ये देखो एक बटन के साथ है, बिना बटन के साथ है, प्लेन है, ठीक है, तो वैसा भी हम लोग दे सकते हैं। देन वैलिडेशन वाला पार्ट, हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मतलब उस हिसाब से हमको डिज़ाइन करना चाहिए। सपोज़ मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट करता हूँ, ये देखना अगर सही है तो ग्रीन कलर, और अगर एरर है तो ऐसा नीचे मैसेज वाला आ जाएगा। तो उसको देने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको एक यहाँ पे डिव लगाना होता है। सपोज मैं इसमें लगाऊं, चलो ये एच ईमेल पे लगा देता हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले हमको एक डिव में कॉपी करना होगा, नहीं बिना कॉपी करे भी चलेगा कोई बात नहीं। इसके नीचे हमको एक डिव लगाना होगा विद क्लास, इनवैलिड फीडबैक सपोज, और मुझे यहाँ पे एरर मैसेज देना है इनवैलिड ईमेल, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमको दिखेगा नहीं, ये बाय डिफॉल्ट हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक बटन्स बना दूँगा। एक बात याद रखना हमेशा, फॉर्म में हमेशा दो तरह का ही बटन होता है, ठीक है। डिव डॉट रो, डिव डॉट कॉल डैश एम डी डैश सिक्स स्टार टू, इधर होगा इनपुट, अच्छा है। अगर तुमको स्पेसिफिक किसी टाइप का इनपुट चाहिए तो तुमको बस यहाँ पे देना है इनपुट कॉलन सबमिट, मुझे सबमिट टाइप का चाहिए तो सबमिट टाइप का मिल जाएगा। और वैल्यू में मैं सपोज को दूंगा सबमिट फॉर्म, और इसको बटन दिखाने के लिए क्लास btn, btn प्राइमरी, ठीक है। एंड दूसरा मैं एक दूंगा, उससे क्या होता है देखना, इसको मैं अभी रीसेट देके देखता हूँ। रीसेट फॉर्म btn सपोज सेकेंडरी, और इधर मैं दे दूंगा आउटलाइन सेकेंडरी, ठीक है। अभी देखना एक चीज़ क्या होता है, सॉरी इसका MY5, PP5 दे देता हूँ, थोड़ा नीचे स्पेस आ जाएगा। सबमिट फॉर्म जैसे मारूंगा, ये तो चलो सबमिट नहीं होगा क्योंकि तो मैंने कुछ दिया नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे एक्शन में मैं अभी हैश दे देता हूँ, सबमिट फॉर्म एक्चुअली जो मतलब क्या बोलते हैं, इस फॉर्म के अंदर जितना भी मेरा ये इनपुट बोलो सिलेक्ट बोलो वैसा जितना फील्ड्स है वो सबको सबमिट कर देते हैं, मतलब वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज देता है, ठीक है, जहाँ से फेच करके बाकी काम होता है। सपोज मैं यहाँ पे भी कुछ रैंडम टेक्स्ट देता हूँ, मान लो कुछ कुछ भी मैंने यहाँ पे रैंडम सा दिया, फिर इधर मान लो ये दे दिया मैंने, फाइल में भी मैंने कुछ एक चूज कर लिया, इधर कुछ दिया, इधर कुछ दिया, इधर कुछ दिया, लेकिन जैसे मैं रिसेट मारूंगा देखना सारा बाय डिफॉल्ट अपने जगह में चला जाएगा, ओरिजिनल चला जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म रिसेट का ऑप्शन भी देना चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये सब ऑटोमेटिक होता है, बस हमको यहाँ पे टाइप रिसेट लगा देना है, बस बात खत्म, ठीक है। सबमिट और रिसेट को छोड़ के दूसरा कोई इनपुट टाइप हमको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अगर दूसरा कुछ हमको यूज़ करना है, सपोज मुझे बोलना है कि साइन अप करो, तो मैं कुछ ऐसा उसको दिखा दूंगा, अगर मुझे दूसरा कुछ दिखाना है तो मैं इसको डायरेक्टली मैं क्या बोलते हैं एंकर टेक बना दूंगा, दिखेगा बटन की तरह लेकिन
वो होगा नहीं बटन। ठीक है, और इसमें मैं एक HRF लगा दूंगा, कुछ भी एक जो मेरा लिंक होगा। ठीक है, ये एकदम बटन जैसा लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली में एक एंकर टैग है। ठीक है, तो वैसा हमको देना है। बहुत लॉगिन्स में देखना, फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, अच्छा वैलिडेशन से रिलेटेड मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट, अगर मुझे मिल जाए तो मैं सर्वर वाला चला लेता हूँ। अभी देखो, ये मेरा एक दूसरे किसी पर्पस से एक सर्वर बनाया था। ठीक है, ये मैंने दूसरे मैंने पेड प्रोजेक्ट के लिए बनाया था सर्वर। अभी जैसे मैं पे एग्री एंड कंटिन्यू देता हूँ, ये एक नेक्स्ट स्टेप्स का पेज है। देन ये एक फॉर्म है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे सिंपली रजिस्टर दे देता हूँ, देखना क्या होता है। नेम के नॉट बी एम टी विद ए क्रॉस साइन, एरर मैसेज आ गया। ठीक है, मान लो मैंने नेम यहाँ पे कुछ भी दे दिया। जैसे मैंने कुछ लिखा दिया, देखना ये ऑटोमेटिक ग्रीन कलर का आ गया, मतलब क्या ये सही है, वैलिडेटेड है। ठीक है, सपोज कॉन्टैक्ट मैं कोई एक नंबर दे देता हूँ, इनवैलिड है, या फिर सपोज, तो कॉन्टैक्ट जनरली क्या होता है, 6 7 8 9 स्टार्टिंग होता है। ठीक है, मैं 8 से करता हूँ, 5 1 2, ये 9 डिजिट है। जैसे 10th डिजिट होगा ये ऑटोमेटिकली मेरा क्या बोलते हैं ग्रीन में शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली ईमेल a@, अब तक गलत है, ए सही हो गया। अभी .com दूँ ना दूँ बात की बात है। सिमिलरली एड्रेस, सिमिलरली देश। अब जैसे मैं इसको सारा क्या बोलते हैं टिक हो गया, देन रजिस्टर, तो ये सारा फील्ड सबमिट होगा सर्वर के पास और सर्वर उसको रजिस्टर करके मुझे यहाँ पैसे दिखा देगा कि ये रजिस्टर्ड हो गया बोल के। ठीक है, तो वैसा वैलिडेशन का भी हमको स्कोप रखना होगा, जिससे कि एटलीस्ट मैं यूज़र को दिखा सकूँ। या तो मुझे उसको किसी अलर्ट के थ्रू दिखाना है, या तो उसको मुझे ऐसा जैसा नीचे छोटा छोटा मैसेज था वैसा दिखाना है। ठीक है, अच्छा अभी किसी को कोई डाउट बोलो। हेलो। इधर कोई डाउट राज, कुछ डाउट है? ओके okay. बुझे अच्छा हाँ, एक चीज़ मिस हो गया था, सॉरी, इसको मैं इधर काट देता हूँ अभी। ये देखो, यहाँ पे एक SQL क्वेरी चला जो कि सर्वर में इंसर्ट करने के लिए चाहिए मुझे। ठीक है ना, तो ये इसका डाटा आया कहाँ से? वो फॉर्म से आया उसका डाटा। वो कैसे सबमिट होता है वो अभी बाद में दिखाऊंगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है। सपोज मुझे कोई लंबा टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, लंबा टेक्स्ट चाहिए, मतलब बहुत सारा टेक्स्ट लिखना है मुझे। तो उस वक्त हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक कंट्रोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा 12 24, एवरीथिंग ओके। हाँ,
इधर मैं दे दूंगा टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया में हमारा रोज एंड कॉलम्स फिक्स देना पड़ता है, और उसमें क्लास लगा देंगे फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, अभी मैं रोज एंड कॉलम्स को डिफॉल्ट रख रहा हूँ, चेंजेस क्या करना है वो बाद में पता चलेगा। ये देखो बहुत बड़ा हो गया टेक्स्ट एरिया, और ये ऑटो साइजेबल है, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, मान लो जो बाय डिफॉल्ट है इतना बड़ा है, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसका रोज चेंज कर दूँगा। सपोज 10 के जगह मैं 5 दे देता हूँ, अभी ये छोटा आ गया, ये लंबा टेक्स्ट लेने के काम आता है। एंड दूसरा चीज़ ये है कि मान लो किसी को कोई डिस्क्रिप्शन देना हो, या फिर ऐसा कुछ बोलना कि अबाउट मी कुछ बोलो, अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, या फिर बायो लिखो अपना, तो ये उसके काम आता है। ठीक है, और कुछ कुछ एडिटर्स होते हैं लाइक रिच टेक्स्ट एडिटर, ऐसा भी एडिटर हम लोग लगा सकते हैं जिसमें मतलब कंप्लीट बोल्ड कलरिंग वगैरह देने का कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, उसको हम लोग कैसे लगाएंगे मैं दिखाता हूँ। इसका सीडीए नहीं है, मैंने याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने किसी एक में तो ऐसा लगाया था, तो वैसा भी हम लोग लगा सकते हैं जिसमें लिंक्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, मैं और एक दिखाता हूँ इसका, शायद से हाँ ये सी के एडिटर है, शायद से फ्री वर्जन वाला उठा लेना है हमको। ठीक है, ये डेमोस में जाके हम लोग देख सकते हैं कैसा क्या करना है। ठीक है, ये देखो ये एक आर्टिकल एडिटर है ऑटोमेटिकली। ये देखो फॉर्मेट वगैरह है, हेडिंग है, पैराग्राफ्स देना है, फिर फॉन्ट, ठीक है, देन साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ट्रांसक्रिप्ट, बहुत सारा यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। अगर आर्टिकल एडिटर हुआ, ये देखो ब्लॉग वगैरह जो लिखता है उनके लिए, अगर इनलाइन एडिटर है तो ऐसा चाहिए हमको, डायरेक्ट एडिटेबल। ठीक है, क्लिक करो एडिट हो जाएगा, क्लिक करो एडिट हो जाएगा। तो इसको हमको कैसे देना है नहीं देना है वो मैं बाद में कभी दिखा दूंगा अगर ज़रूरत पड़े तो, और अगर चाहिए तो इसका ऐसा डॉक्यूमेंटेशन पे जाके भी हम लोग देख सकते हैं कैसे देना है उसका, ये एपीआई रेफरेंस कैसे है, तो उस पर जाके हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि कैसे देना है कैसे नहीं देना। ठीक है ना, वो बात का बात है, हम कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, अगर किसी को ज़रूरत पड़ा कि अगर कोई सोचे तो वो तब मुझे बोल देना, मैं अभी उतना या इसके इसमें डीपली नहीं जा रहा हूँ। ठीक है ना, और तो फिलहाल तो सब कुछ ही कवर हो गया है, ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं और मुझे जो लग रहा है। और हाँ बाय द वे, आज इवनिंग का सेशन लास्ट सेशन होगा जिसमें एटलीस्ट एक या दो मैं ऐसा डायरेक्ट विद एग्जांपल दिखा दूंगा कि कौन सा चीज़ कहाँ कैसे यूज़ करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट तो जिसको जैसा क्या बोलते हैं मैं असाइन करूँगा वो वैसा पेज डिज़ाइन करना। ठीक है, अभी तक किसी भी पार्ट में डाउट हुआ तो बोल दो, आज का या फिर पहले जितना भी किया था, कुछ भी डाउट। एनीवन DDMM वाई वाई इटर DD डैश 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 वाई 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 के नाम ये एक्चुअली मैं कम्प्लीटली मतलब ब्राउज़र से सेट किया हुआ है इसका, मैंने ढूंढा था कि क्या बोलते हैं चेंज कैसे करना है, बट मुझे मिला नहीं कहीं, बट अगर सिलेक्ट करो तो मंथ ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो मैंने सोच तो उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, और जो हमको सर्वर पे मिलेगा वो हम लोग सर्वर में उसी तरह फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं तो वो काम हो जाता है। लेकिन इसका फॉर्मेट मतलब एक्चुअली में कैसे चेंज करना है मुझे भी एक्चुअली में अभी तक पता नहीं चला है। मे बी
अगर बाद में ढूंढो, या फिर मान लो अगर कोई ऐसा फॉर्मेट का अगर कोई कुछ होता तो समझ जाता, लेकिन मुझे मिला नहीं। थोड़ा टफ है वो, ब्राउज़र से बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है ऐसा, बस पता नहीं उसको कैसे चेंज करते हैं। बट क्योंकि एटलीस्ट सिलेक्ट करने के बाद वो चीज़ें मेरे को एग्जैक्ट दिखाता है, तो ठीक है, वो काम चल जाता है। अभी ये अगर डेट ऑफ बर्थ की तरह चाहिए हुआ तो अच्छा, डेट का एक चीज़ है, डेट तीन तरह दो तरह से ले सकते हैं, या तो ऐसा कम्प्लीटली ले लो, या तो तीन अगर अलग अलग बॉक्स बना के ले लो, एक पे डे, एक पे मंथ, एक पे ईयर, वैसा भी ले सकते हो तीन अलग अलग, फिर उसको कंबाइनली करके कहीं भी सेव कर दो, वो ऐसा भी हो सकता है। और एक बात है, यहाँ पे अगर तुम एग्जांपल्स में जाके देखो, बहुत सारा तुमको यहाँ पे एग्जांपल्स मिलेगा कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, ये साइड बार्स वगैरह का जैसे है, फिर एल्बम देना हो, कोई प्राइसिंग का पेज है, कोई चेकआउट पेज है, ठीक है ना, कोई ब्लॉगिंग का पेज है, कुछ कैरोसेल वाला पेज जो मैंने दिखाया था, कवर पेज है वेबसाइट का, कवर फ्रंट पेज जो हमको देना होता है, डैशबोर्ड का पेज है, ठीक है, ये देखो ये सिंपल सा कवर पेज है, इसके बैकग्राउंड में कोई फोटो वगैरह लगा सकते हैं, फिर फीचर्स वगैरह भी मतलब अलग अलग लिंक दे सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन ये देखो डैशबोर्ड टेम्पलेट है, ऐसा लेफ्ट में हम लोग का ऑप्शन है, यहाँ पे यूज़र एंड लॉगआउट, वो उसका ऑप्शन, यहाँ पे कंपनी का नाम, ठीक है, या फिर कोई प्रोजेक्ट है, और अगर कुछ सर्च देना चाहो तो यहाँ पे सर्च भी दे सकते हो। और इधर देखो सिंपल सा एक टेबल है, स्ट्राइप टेबल है ये वाला, ठीक है, वैसा भी बना सकते हो। इसका पूरा कोड आई थिंक अवेलेबल है, हाँ, यहाँ से डाउनलोड एग्जांपल्स में जाके डाउनलोड भी कर सकते हो उसको, जितना सारा है, ठीक है, बहुत सारा है यहाँ पे, ग्रिड सिस्टम का एक है, नेव बार्स का एक है, ठीक है ना, फिर लैंग्वेजेस का दूसरा है, देन है बहुत सारा है यहाँ पे। जम्बोट्रॉन कैसे देना, जम्बोट्रॉन मतलब एक वेबसाइट बैनर टाइप होता है, ठीक है, जो सिर्फ ऊपर में दिखता है फॉर ए फिक्स्ड लेंथ। ये देखो जैसे एक साइन इन का है यहाँ पे, जैसे सिंपल सा साइन इन पेज है, उसको हम लोग अभी अगर क्या बोलते हैं, एक मिनट में एग्जांपल्स देख लेता हूँ। साइन इन आ गया ना, एक मिनट मैं एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। साइन इन आ गया अभी, जैसे ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ये वाला पार्ट लाना होगा, ये वाला पार्ट आ गया, एंड बॉडी में जावास्क्रिप्ट वाला लगाना होगा। ठीक है, और अभी ये स्लैश साइन इन स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ना, उसको अभी ओपन करके देखते हैं, स्लैश साइन डैश इन स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, आइकन वाला शायद से किसी कारण से नहीं आ रहा, एक मिनट, ये शायद से ब्रांड, हाँ इधर आएगा, यस, डॉट डॉट स्लैश एस एस, इसको मैं ऐसा कर दूंगा, एंड अभी शायद आ जाएगा, एसेट स्लैश ब्रांड,
लाइट सेवर करता हूँ। अच्छा ये इमेज शायद रुको, ये साइन इन की वजह से सब झमेला हो रहा है। ये है ठीक है। अभी मान लो मुझे इसको थोड़ा एडिट करना है, तो मैं कैसे एडिट करूँगा? सबसे पहले फॉर्म साइन इन है ना, अच्छा ये मेन को उठाऊँगा कंप्लीटली, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक डेव कंटेनर लगाऊँगा बॉडी पे दूंगा ए सपोज, नहीं बॉडी तो अदर से आ जाएगा, नहीं आएगा, लिंक CSS माई स्टाइल डॉट CSS, और इस पर ऑलरेडी मेरा बॉडी पे हाइट 100 विच लगा हुआ है, इस पे मैं दूंगा H100 डिफ्लेक्स, देन आएगा मेरा आईलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है इसके अंदर दूंगा मैं डिप डॉट क्या दूँ सपोज कार्ड, और इसमें एक स्टाइल लगा दूंगा मैं सपोज विड्थ होगा 600 पिक्सल, इम्पोर्टेंट एंड हाइट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसके बाद डिप डॉट कार्ड डैश बॉडी, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करूँगा, देन कार्ड में लगाऊँगा BG व्हाइट एंड P-4, देखो क्या बात है, नहीं हो क्या? इसको थोड़ा हटा के देखते हैं, सर्वर ये कुछ ऐसा बनेगा ठीक है। अभी सपोज कहाँ गया है, कंटेनर पे वो क्लास लगा देंगे, क्या था उस क्लास का नाम, हाँ फॉर्म साइन इन वाला क्लास, इसको उठा के यहाँ पे लगा देंगे ठीक है। सो सपोज ये मैं फॉर्म को ऐसे उठा लेता हूँ एंड देन डिप डॉट कार्ड डॉट P-4.bg वाइट एंड देन सॉरी फॉर्म कट करो डिप डॉट कार्ड डैश बॉडी एंड पेस्ट। अभी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा है शायद ये, लाइव सर्वर हाँ इसका इमेज वाला नहीं आ रहा एंड कार्ड का वेट पूरा हो गया है। सो स्टाइल सपोज वेट 600 पिक्सल्स ठीक है, और इसका स्टाइल वाला देख लेते एक बार, बॉडी में फ्लेक्स लगा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे,
CSS तो हाँ इसलिए वो नहीं है, एंड देन सब कुछ है, फॉर्म साइन इन, स्लैश क्या यार कॉपी नहीं हुआ क्या? कॉपी नहीं हुआ था शायद। div dot suppose div dot की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे मेन को उठा लेता हूँ, एंड देन एक साला गलत फाइल एडिट कर रहा था अभी तक। कंटेनर देन कार्ड p4 bg, अच्छा नहीं p4 ही रहने दो, देन डिव डॉट कार्ड डैश बॉडी और ये पेस्ट करो, ठीक है। देन इसके बाद फॉर्म साइन इन, तो मैं यहाँ पे दूंगा क्लास bg वाइट एंड p-5, तो एसेट से सब कुछ आ जाएगा। एंड कार्ड के लिए मैं दूंगा यहाँ पे विथ 600 पिक्सल सपोज, ये देखो ऐसा एक सुंदर सा कार्ड बन गया, ठीक है। इसको अगर मैं p-5 से मान लो p-3 भी दे देता हूँ, इसको देना ही मत। ये देखो सुन, ये एक फॉर्म बन गया, और इसको अगर मैं अभी चाहूँ तो इधर इधर मैं अपना वो लिंक क्लास लगा देता हूँ माई स्टाइल, और इधर आ जाएगा मेरा कंटेनर पे आएगा h100 डिफ्लेक्स एल एन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर पे आ गया पूरा। अभी इसको भी हम लोग एडिट कर सकते हैं, सपोज ये मेरा इसके अंदर का फॉर्म है ना, देन फॉर्म साइन इन, ये मैक्स विथ को मैं ऐसे से हटा दूंगा, ये देखो पूरा अच्छे से फॉर्म बन गया। तो वैसा भी इसमें थोड़ा हम लोग एडिट कर सकते हैं, रिमेम्बर भी का। और हाँ और एक बात है, कोई भी अपने जो भी मतलब डिज़ाइन करो, रिमेम्बर मी ये कोई ऑप्शन देना ही मत, मैं पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ऑप्शन मतलब एटलीस्ट मैं तो इम्प्लीमेंट नहीं करता, ज़रूरत पड़े तो कुछ देखा जाएगा, बट हाँ एटलीस्ट वो मत देना यहाँ पे, ठीक है। मान लो अभी मुझे ये साइन इन के नीचे दूसरा कोई एक चाहिए, ठीक है, कहाँ गया, साइन इन हो गया ना, ये रहा मेरा बटन, देन इस कॉपी को मैं ऐसे हटा दूंगा, फिर मैं यहाँ पे HR लगा दूंगा, देन फिर क्यों नहीं? कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ, शी माइट बी डिसकनेक्टेड, ठीक है। सो देन इसको मैं सपोज बैकग्राउंड कलर में इसका यहाँ पे स्टाइल देके, सॉरी बैकग्राउंड रेड नॉट इम्पोर्टेंट, एंड इधर ये सबमिट नहीं होगा, ये बटन ही रहेगा, एंड इधर साइन इन विथ गूगल। तो यहाँ पे मेरा एक इसको टेक्स्ट वाइट भी चाहिए, टेक्स्ट वाइट, सो देन साइन इन विद गूगल का ऑप्शन भी हम लोग ऐसा दे सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर ज़्यादा बुरा लगे तो btnlg से इसको btnsm कर दो, बात खत्म, छोटा वाला आ जाएगा। वैसे जितना भी दे सकते हैं वैसे दे दे सकते हैं हम लोग। देन ये तो क्या साइन इन का, ये साइड बार्स का जैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। ये जनरली हमको अभी पता नहीं किसी ने यूज़ किया कि नहीं, बट
प्रोबेबली ईमेल के वक्त ऐसा मिलता है, आउटलुक ईमेल में ऐसा मिलता है हमको, ठीक है, लिस्ट ग्रुप की तरह मिलता है, एक एक ये कोलैप्सिबल है, ऐसा कोलैप्स हो सकता है, ठीक है ना, ये ऐसे लिंक्ड है वैसे, और ये सिंपल सा है, नीचे यूज़र का प्रोफाइल है एंड ऑल दैट है, तो वैसा भी दे सकते हैं, अभी वो जो डिज़ाइन करेगा वो कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है, वो कैसे देना चाहता है। ओके सो ये तो चलो बाय डिफ़ॉल्ट डेमो था, इसको लेके बस एडिट करना है, खुद से भी बना, खुद से बनाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब का एग्जांपल है वो, तो यहाँ पे एग्जांपल में जाके डाउनलोड कर लो तो सारा डाउनलोड हो जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे हुआ था, कहाँ गया, जैसे इधर पूरा हुआ था, ए टू जेड सब एग्जांपल है, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो, और कुछ कुछ मैंने छोड़ दिया है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज ऑफ नाउ हमारे लिए, बट हाँ जाके एक बार एटलीस्ट देख सकते हो कैसे यूज़ करते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। सो कोई डाउट अभी तक? एनी हेलो राज डाउट? हम बीच में गायब हो गया था, हम तुम्हारा तुम गायब रिकॉर्डिंग देख के, मतलब गायब हो गया था, ठीक है, बट नेटवर्क इश्यूज, नो प्रॉब्लम। सो जब तक मतलब गायब तो होने हम से पहले तुम्हारा तक कोई रिकॉर्डिंग, डाउट? नो, ओके सो मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। वो करने पे डाउट। हाँ ठीक है, मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ, एंड आज इवनिंग का सेशन होगा, वो लास्ट सेशन होगा, उसमें मैं थोड़ा एग्जांपल वगैरह दिखा दूँगा कैसे क्या मतलब बनाना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा लाइव एग्जांपल से थोड़ा आइडिया मिलेगा और भी कहाँ क्या कैसे यूज़ करना चाहिए, एंड आफ्टर दैट अपना अपना लिस्ट रेडी रखना, फिर मैं एक एक करके अजेंड करता जाऊँगा, ठीक है ना। ओके ओके सो बाय फॉर नाउ।